माता की जय, धरती माता की जय, स्वर्ग नगरी तीर्थधाम विलायत कला की जय, आप सभी पवित्र जनों की जय। आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। कैसे? जिस तरह से हम लोग जब रेलवे स्टेशन में टिकट कटाते हैं, कहाँ जाना है, जबलपुर जाना है, दिल्ली जाना है, बेंगलोर जाना है, कहीं भी जाना है, तो स्टेशन में एक काउंटर होता है, टिकट काउंटर, उसमें लिखा रहता है टिकट यहाँ से प्राप्त करें। हम उसके पास जाते हैं और उससे बोलते हैं मुझे जबलपुर की टिकट दे दीजिए, तो वो आपसे बताता है पैसे, इतने पैसे लगेंगे। आपने कहा ठीक है, ये पैसे लीजिए, उनने वहाँ से टिकट काट के दे दी। अब यदि मान के चलिए आपको जाना है जबलपुर, आप पहुंच गए रेलवे स्टेशन, टिकट वाले से आपने कहा भैया एक टिकट दे दो, तो पूछेगा कहाँ की, आप कहोगे अरे दे दो तुम कहीं की भी दे दो, और उसने अगर आपको क्या कहा, ऐसे में तो टिकट नहीं मिलेगी, क्या होगा, आपको बताना पड़ेगा कि मुझे कहाँ की टिकट चाहिए। और जिसने टिकट का स्थान नहीं बताया, अपना गंतव्य स्थान नहीं बताया, मुझे बम्बई जाना है, दिल्ली जाना है, कहीं भी जाना है, यदि आपने अपना गंतव्य स्थान नहीं बताया तो आपको टिकट नहीं मिलेगी, और जब टिकट ही नहीं मिलेगी तो आपकी यात्रा शुरू भी नहीं होगी। शुरू होगी क्या? यात्रा शुरू ही नहीं होगी, पहुंचने की तो बात छोड़ दो। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको तय करना पड़ेगा। अभी आप जब आश्रम आते हैं आप लोग, तो आप लोग घर से तय करते हैं मुझे आश्रम जाना है, जब खेत जाते हैं तो तय करते हैं मुझे खेत जाना है, तो जिस दिन खेत तय करते हैं उस दिन खेत जाते हैं, जिस दिन आश्रम तय करते हैं उस दिन आश्रम आते हैं। यदि आपने तय कर लिया कि आज मुझे आश्रम नहीं जाना खेत जाना, तो क्या पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको जो चीज पाना है पहले उसको तय करना पड़ेगा कि मुझे क्या प्राप्त करना है। जैसे आपने कहा मुझे कलेक्टर बनना है, ठीक है, आपने कहा मुझे कलेक्टर बनना है, आपने कहा मुझे कलेक्टर बनना है, आपने कहा मुझे फौजी बनना है, किसी ने कहा मुझे टीचर बनना है, ठीक, अपने अपने आपने सबने, किसी ने कहा मुझे डॉक्टर बनना है, किसी ने कहा मुझे सेवक बनना है, ठीक है, सारे लोगों ने अपना स्टेशन तय कर लिया, किसी का स्टेशन क्या है कलेक्टर है, किसी का स्टेशन क्या है डॉक्टर है, ठीक, आप लोगों ने अपने अपने स्टेशन तय कर लिए, और आपको अब स्टेशन जाना है कौन से, दिल्ली, आपकी चार दिन की यात्रा हो गई, तीन दिन की यात्रा हो गई, दो दिन की यात्रा हो गई, एक दिन की हो गई, तो रास्ते की सामग्री भी रखोगे ना, ज़्यादा दूर जाना है तो तीन दिन के लिए पूड़ी सब्जी बना लो मम्मी, कुछ मिठाई बना लो मम्मी, कुछ रास्ते के लिए सूखा नाश्ता रख लो मम्मी, रखते ना कपड़े दो तीन जोड़ी रख लो, और कटनी जाना है तो ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जितनी पास की यात्रा होगी उतना कम सामान, जितने दूर की यात्रा होगी उतना ज़्यादा व्यवस्थित करना पड़ेगा, एक दो सूटकेस भी रखना पड़ सकता है, ठीक है, कुछ पैसे भी ज़्यादा रखने पड़ सकते हैं। इसी तरीके से जब आपको बड़ा बड़ी चीज़ प्राप्त करनी है, अगर आपको कलेक्टर बनना, तो आपको बड़ी तैयारी, आपका स्टेशन क्या है, दूर है, लंबा है, तो लंबा स्टेशन है, दूर है आपका स्टेशन, उस स्टेशन को प्राप्त करने के लिए आपको तीन दिन चार दिन लगना है,